आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की महिला जूनियर डॉक्टर योगिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 7 साल से डॉक्टर विवेक तिवारी के साथ ये रिलेशनशिप में थी। डॉक्टर विवेक तिवारी मंगलवार देर शाम आगरा आए और कार में बैठकर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों के बीच हॉटटॉक हुई और डॉक्टर विवेक तिवारी ने गला दबाकर चाकू से वार करके इनकी हत्या कर दी और शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। आगरा के एसएन की महिला जूनियर डॉक्टर योगिता की हत्या का खुलासा हो गया है। 7 साल से रिलेशन में रह रहे डॉक्टर विवेक तिवारी ने ही की थी योगिता की हत्या। उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कबूला है कि वह मंगलवार को आगरा पहुंचा। डॉक्टर योगिता गौतम शाम 6:30 बजे उससे मिलने आई। वह उसकी कार में बैठ गई। दोनों के बीच हॉटटॉक होने लगी और गला दबाने के बाद डॉक्टर योगिता की मौत हो गई। कार में रखे चाकू से उसके शरीर पर वार किए गए। इसके बाद सुनसान जगह पर शव को फेंक दिया गया और लकड़ी ऊपर रख दी गई। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की 26 साल की जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम का शव बुधवार को बमरौली कटारा में मिला था। वह टी शर्ट और लोअर पहने हुई थी। स्पोर्ट्स शूज दूर पड़े हुए थे और हाथ में बाल फंसे हुए थे। शरीर पर चोट के निशान थे। इसे लगता था कि डॉक्टर योगिता ने हत्या से पहले बचने के लिए संघर्ष किया था। डॉक्टर योगिता फिरोजाबाद की रहने वाली हैं, लेकिन उनका परिवार अब दिल्ली में शिवपुरी में रहता है। डॉक्टर योगिता आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में तैनात हैं। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर योगिता वैश्विक महामारी के चलते सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव महिला का सिजेरियन किया था। इसके बावजूद कल परिजन एसएन अस्पताल में एचओडी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से भी परिजन आहत दिखाई दिए। कल थाना एमएम गेट पर डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने थाना पर यह सूचना दी कि एक दिन पहले से उसका मोबाइल ऑफ है और उसका पता नहीं है। उसके साथ ही जो डॉक्टर विवेक तिवारी जो जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा जो है इनको फ़ोन पे धमकियां दी जाती रही हैं और वो वीडियो फुटेज में आना भी उसका दिखा बताया जा रहा था, जिसके संबंध में एक 364 का मुकदमा थाना एमएम गेट पर दर्ज किया गया। साथ ही साथ डौकी थाने में एक डेड बॉडी जो है वो हाईवे के किनारे मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी और शिनाख्त करने तत्काल उसको हम लोगों ने 4-5 घंटों में शिनाख्त कराते हुए ये पता लगाया कि ये डॉक्टर की ही डेड बॉडी है। उनके परिवारजनों को दिखाकर उसको वेरीफाई कराया और तत्काल जालौन की टीम की पुलिस से संपर्क स्थापित करते हुए डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर विवेक तिवारी जो है वो उनको यहाँ आगरा में लाकर उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने अपने पूरे घटना को जून को कबूल कर लिया है। अन्य साक्ष्य को इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र जो है उन्हें गिरफ्तार किया कर जेल भेजा जाए। क्या कारण क्या सर घटना का पूरा क्या डॉक्टर ने क्या कहा पूछताछ में? और डॉक्टर तिवारी ने पूछताछ में ये बताया कि उनके करीब 7 सालों से बातचीत थे और इधर उनके आपस में झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण वो मिलने के लिए परसों यहाँ आया था और उस दौरान उसके आपस में झगड़े हुए, जिसके कारण उसने उसके और डेड बॉडी को हाईवे के किनारे छोड़कर भाग गए। इस पूरी घटना पर मृतका योगिता के पिता और भाई का आरोप है कि विवेक तिवारी द्वारा कहा गया है कि उसके 7 साल से संबंध है, वो बिल्कुल निराधार हैं। डॉक्टर योगिता के पिता का कहा है कि विवेक तिवारी योगिता को परेशान करता था। इसको लेकर परिजनों ने कई बार उसको समझाया था। यही नहीं, परिजनों ने कहा कि विवेक तिवारी एक तरफ प्यार करता था। विवेक तिवारी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद परिजनों के लगातार संपर्क में रहा, इससे उसे लगा कि कोई स्पर्शक नहीं करेगा। मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी बच्ची के साथ जिस प्रकार से उसने जघन्य हत्या की है, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। तभी मुझे मेरे कहने का मतलब एक अच्छे होनहार डॉक्टर के साथ इंसाफ होगा और मुझे महसूस होगा कि सरकार ने मेरे साथ न्याय किया, मेरी बेटी के साथ न्याय किया। क्योंकि इस प्रकार से समाज ने, देश ने एक होनहार नया डॉक्टर, यंग डॉक्टर, एक सर्जन को जिस प्रकार से खोया है, उसकी भरपाई
इसी प्रकार से होगी और भविष्य में इस प्रकार का कोई हिम्मत न कर पाए इस प्रकार के जघन्य अपराध की, तो एक संदेश जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तो ये समाज और देशवासी सुरक्षित रहेंगे, उनका प्रॉपर उसमें इलाज होगा। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बोलना चाहता हूँ कि हम उसे बचा तो नहीं पाए, लेकिन पूरे देश में हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। जो उसका दोषी है, हत्यारा है विवेक तिवारी, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। उसने इतनी बेरहमी से मेरी बहन का कत्ल किया है, इतनी बेरहमी से उसको मारा है कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। बहरहाल अब परिजन हत्यारोपी विवेक तिवारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।